स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो, और चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और उसका पार्ट सेकंड है। इसमें एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। और लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो लिखा है अनीस जंग ने, जो राइटर है, और जो स्टोरी का नाम है द बेंगल मेकर्स, ठीक है। जो आज का टाइटल है वो है द बेंगल मेकर्स, ठीक है। चूड़ी बनाने वाले जो होते हैं उनके बारे में पूरी स्टोरी होने वाली है, तो पार्ट सेकेंड है, याद रखना। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि एक जगह है, जगह का नाम भी आपको बताऊंगा। वहां के जो लोग हैं वो बहुत सालों से चूड़ियां बनाने के काम में लगे हुए हैं, ठीक है। उन्हीं की पूरी एक ये दर्दनाक कहानी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपको जो मैं लास्ट में क्वेश्चंस देता हूँ चैप्टर के, आप उनका आंसर्स मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं वहां पे आपको चेक करके आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी या जो भी मिस्टेक्स होंगी आपको मैं वहां पे करेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जिसका नाम है मुकेश, ठीक है। मुकेश एक लड़का है जो कि फिरोजाबाद नाम की जगह पे रहता है, ठीक है। फिरोजाबाद नाम की जगह में रहता है, ठीक है, और नाम है इसका मुकेश। और आइए अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। ये जो आज का हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का, इसमें जो बताया गया है, सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। मतलब जो चूड़ी बनाने वाले लोगों की जो एक दयनीय जीवन है, ऐसा जीवन जिसको देख के हमें दया आ जाए, इतना खराब जीवन वो वहां पे बिता रहे हैं फिरोजाबाद के एक शहर में, उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। और पुअर बेंगल मेकर्स हु हैव बीन लिविंग फॉर जनरेशंस इन द डिंगी टाउन ऑफ फिरोजाबाद। गरीब चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं वो कई पीढ़ियों से यहाँ पे फिरोजाबाद में रह रहे हैं, एक गंदे शहर में, ठीक है, गंदगी से भरा, मतलब आप कह सकते हो गंदगी से भरा एक शहर फिरोजाबाद, यहाँ पे रह रहे हैं वो पीढ़ियों से। एंड दोज पीपल हैव बीन एक्सप्लोइटेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये जो गरीब लोग हैं इनका शोषण किया गया है, जो भी समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी वर्गों के लोग हैं, सबने मिलकर इनके साथ बुरा ही किया है और इनका शोषण किया है। आगे बढ़ते हैं, तो इनका काम क्या है, इन लोगों का, गरीब लोगों का, चूड़ी बनाना। इनके बाप दादा बचपन से इन्होंने चूड़ी बनाना ही सीखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, व्हाइल द एल्डर्स हैव लर्न टू लिव विद देयर लॉट। जो बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने तो अब अपनी जिंदगी बिताना सीख लिया है इसी काम के साथ में, ठीक है, अपने भाग्य के साथ में, और मतलब अपने इसी काम में उन्होंने अपना जीवन बिताना अब आदत सी डाल ली है। जबकि जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनके कुछ सपने हैं अपने करियर को लेके, कुछ उन्होंने अलग सोच रखा है। इस चूड़ी वाले काम से निकलकर वो कुछ और भी करना चाहते हैं। एंड दे वांट टू गेट आउट देयर फैमिली ट्रेडिशंस। ये जो एक मतलब जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है चूड़ी बनाने का, वो इन सबसे बाहर निकलना चाहते हैं और वो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एंड लिव अ बेटर लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें लिखा है राइटर वंस मीट्स अ बॉय नेम्ड मुकेश। जो राइटर है अनीस जंग, वो एक बारी मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती हैं, एंड मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है एंड बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, ठीक है। एक चूड़ी बनाने वाले परिवार की जो मतलब एक जो एक चूड़ी बनाने वाला परिवार होता है वहां से वो बिलोंग करता है, ठीक है। मुकेश इसका नाम है, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब जो मुकेश है उसका एक सपना है, मुकेश ड्रीम, ठीक है। उसका सपना क्या है, मुकेश सेज दैट ही डज नॉट वांट टू गो इनटू द फैमिली प्रोफेशन। जो उसकी फैमिली का प्रोफेशन चला आ रहा है कई सालों से चूड़ी बनाने का, वो इस काम को नहीं करना चाहता, वो अपना कुछ अलग सपना उसने सोच रखा है। वो एक यंग जनरेशन का लड़का है और ही डिसाइडेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मोटर मैकेनिक कैसे होते हैं, तो उसका एक सपना है। आगे देखते हैं क्या है, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद की लगभग हर एक फैमिली, हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा रहता है। एंड ऑल काइंड्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में लगभग हर काइंड मतलब हर प्रकार की जो चूड़ियां होती हैं वो बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं क्या है, अबाउट 20,000 चिल्ड्रंस वर्क इन ग्लास फर्नेसेस। लगभग 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको काम करना पड़ता है शीशे की भट्टियों में, ठीक है, जहां का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, शीशे की भट्टियों में काम करना पड़ता है फिरोजाबाद की। एंड दे हैव टू वर्क इन वेरी अनहेल्दी कंडीशंस। उनको बहुत ज्यादा अनहेल्दी कंडीशंस में काम करना पड़ता है जहां से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस वर्क इलीगली, ठीक है, यहाँ पे एक आया फटा दीजिएगा।
चिल्ड्रंस वर्क इलीगली इन द ग्लास फर्नेसेस, ठीक है, ये जो बच्चे काम करते हैं यहाँ पे शीशे की भट्टियों में, ये एक अवैध काम है, इलीगल काम है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे करवाया जाता है यहाँ पे, उनकी फैमिली का ट्रेडिशन चला आ रहा है इसी काम का। आगे लिखा है यहाँ पे, मुकेश ऑफर्स टू टेक द राइटर टू हिज होम। मुकेश राइटर को कहता है कि आप एक बार मेरे घर चलेंगे, ठीक है, अनीस जंग जी से कहता है मुकेश कि आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी, एंड ही प्राउडली सेज दैट देयर हाउस इज बीइंग रीबिल्ट, ठीक है, और वो मतलब बहुत गर्व से बहुत शान से कहता है कि उनका जो हाउस है, जो उनका घर है, ठीक है, वो बनाया जा रहा है दोबारा से, एक नया हाउस रीबिल्ट उनको, मतलब रीबिल्ट दोबारा से उसको बनाया जा रहा है, वो बहुत गर्व से कहता है ना। आगे वो बताता है यहाँ पे, जो मतलब राइटर ने बताया है, मोस्टली बैंगल मेकर, ज्यादातर जो चूड़ी बनाने वाले हैं, एंड अप लूजिंग देयर आई साइट ड्यू टू द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास। जो ज्यादातर जो चूड़ी बनाने वाले हैं, उन्होंने आई साइट यानी कि उनकी जो आंखों की रोशनी है वो खो चुके हैं। उसका कारण क्या है, जो वो डस्ट निकलती है पॉलिश करते टाइम, जब वो शीशे को जब वो पॉलिश करते हैं, तो वहां से जो डस्ट निकलती है, जो डस्ट उड़ती है, वो उनकी आंखों में पड़ती है, जिससे इनकी आंखों की रोशनी कमजोर होते होते कमजोर होते होते एक दिन उनकी रोशनी ही चली गई है, बहुत सारे बैंगल मेकर्स की। आगे क्या होता है ये देखते हैं, जो बैंगल मेकर्स हैं दे ऑल्सो सफर फ्रॉम डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। आपको पता है जो शीशे की भट्टी होगी वहां का तापमान टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, ठीक है, उनकी मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको रहती थी। आगे बढ़ते हैं, क्या है, दे वॉक थ्रू स्मेली लेन्स दैट आर चोक्ड विद गार्बेज। उनको ऐसी बदबूदार गलियों से निकलना पड़ता था जो हमेशा कूड़े करकट से भरी रहती थी, ठीक है, जो वहां के लोग थे बेंगल मेकर्स। और वेन द राइटर गोज देयर, जब राइटर अनीस जंग जाती हैं मुकेश के साथ उसके घर पे, सो शी फाइंड दैट इट इज अ हाफ बिल्ट शेक। जो वो देखती है कि एक आधी बनी हुई एक झोंपड़ी थी, ठीक है, एक झोंपड़ी टाइप से ये घर था, वो जब वहां पे राइटर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आधा बना हुआ, एंड इनसाइड देयर आर एवरीवेयर साइंस ऑफ पॉवर्टी। जब वो अंदर घुसती है तो हर तरफ सिर्फ गरीबी ही गरीबी नजर आती है, पॉवर्टी नजर आती है राइटर को, एंड फूड वाज बीइंग कुक्ड ऑन अ स्टोव बाय अ यंग वुमेन। अंदर जब वो जाती है तो जो खाना बनाया जा रहा था वो एक यंग वुमेन द्वारा बनाया जा रहा था, जब वो राइटर देखती है, ठीक है, एक यंग वुमेन बैठी थी जो कि खाना बना रही थी। अब ये यंग वुमेन कौन थी, आइए देखते हैं। तो ये जो यंग वुमेन थी, शी वाज मुकेश से एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मतलब मुकेश की भाभी जी थी, क्योंकि जो मुकेश के बड़े भाई थे उनकी वो वाइफ थी। व्हेन मुकेश फादर एंटर्स, जब मुकेश के फादर एंटर करते हैं घर में, शी जेंटली ब्रिंग्स द वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल का मतलब होता है जो घूंघट होता है। जब मुकेश के पापा आते हैं घर में तो जो मुकेश की भाभी है वो अपना घूंघट अपने फेस के पास में ले आती है। ये क्या था, एक उनका रिवाज था, ठीक है, हिंदू में ये ऐसा होता है, ठीक है, जो रिवाज होता है बड़ों के सामने जो बहू होती है वो घूंघट करती है, एज इट इज द कस्टम ओवर देयर, ठीक है, ये एक रिवाज चला आ रहा था वहां का। आगे देखते हैं क्या है, मुकेश से फादर हैज वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ। मुकेश के जो पापा थे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, बहुत कठोर वर्क किया था, एंड स्टिल ही हैज बीन अनेबल टू रिनोवेट हिज हाउस। अभी भी वो मतलब इस काबिल नहीं था कि वो अपना घर बना पाए दोबारा से, ठीक है, मतलब इतने सालों से मतलब उन्होंने हर तरीके का काम, मतलब जो होता है चूड़ी से जुड़ा हुआ, बहुत मेहनत से किया, लेकिन फिर भी वो इस काबिल भी नहीं है कि वो एक तो अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके कभी, ना वो अपने घर को दोबारा से बना पाए, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। आगे देखते हैं, पर उन्होंने क्या किया, बट ही मैनेज्ड टू टीच देम द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। जो उनके जो बच्चे थे मुकेश और उसका बड़ा भाई, वो चाहे मतलब उनको पढ़ा तो नहीं पाए स्कूल में, लेकिन उन दोनों को जो एक कला होती है चूड़ी बनाने की, आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, वो सिखा दी। एंड मुकेश इज ग्रैंड मदर बिलीव्स इन डेस्टिनी। जो मुकेश की जो दादी माँ थी वो किस में विश्वास रखती थी, किस्मत में, भाग्य में, ठीक है, इन सब चीजों में विश्वास रखा करती थी। और जो उसकी मुकेश की ग्रैंड मदर थी, शी हैज सीन हर हस्बैंड गोइंग ब्लाइंड। जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा था, एंड शी सेज दैट दे वर बोर्न इन कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। उसकी जो मुकेश की दादी माँ है वो कहती है कि हम ऐसी जाति में हमारा जन्म हुआ है जो कि चूड़ी बनाने वालों की ही होती है, एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन देयर लाइफ। उन्होंने अपने लाइफ के अंदर बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, और उनकी भी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर थी। आगे देखते हैं, आपको बताता हूं मैं।
बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल सच फैमिलीज हैव टू वर्क विद देयर फादर्स एंड मदर्स। जितने भी वहां फिरोजाबाद के लड़के और लड़कियां थी, उनको अपने परिवार, अपने फैमिलीज के साथ में काम करना पड़ता था, उनके माता पिता के साथ में। दे हैव टू वर्क इन डार्क हटमेंट्स। हटमेंट्स मतलब जो मतलब झोपड़ी टाइप से ही होता है। डार्क हटमेंट मतलब अंधेरी झोपड़ियां जो होती हैं, ठीक है, ठीके? अंधेरी झुग्गी झोपड़ियां जहां पर वो काम करते थे, ग्लास जो मतलब शीशे की भट्टियों का, चूड़ियों का। एंड देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। जो वहां के लड़का लड़की काम करते थे इन झुग्गियों में अंधेरी, उनको आदत हो गई थी अंधेरे में रहने की। वो बिल्कुल वो आदी हो चुके थे मतलब अंधेरे के, ठीक है। वो उनका एडजस्टमेंट ही जो है मतलब अंधेरे के साथ हो चुका था, क्योंकि वो उसी में लगे रहते थे। उनको बाहर की लाइट जो थी वो बहुत कम रहती थी उनकी लाइफ में, वो ज्यादातर अंधेरे में उनकी लाइफ गुजरती थी। थस दे लूज देयर आई साइट। इससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी आई साइट जो उनकी आंखों की रोशनी थी धीरे धीरे खोना शुरू कर दी, और वो जब तक एडल्ट होते, जब तक वो जवान होते, उससे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। तो ऐसा मतलब इतनी बुरी हैजर्ड वाली कंडीशंस, और बहुत ज्यादा मतलब वो दुख में वहां पर वो जी रहे थे जो वहां के लोग हैं फिरोजाबाद के। उसके बाद है राइटर सीज अ गर्ल नेम्ड सविता इन अनदर हटमेंट। जब राइटर बाहर निकलती हैं तो वो देखती हैं सविता नाम की एक लड़की को, जो एक अलग, एक दूसरी हटमेंट में थी, अलग झुग्गी झोपड़ी में थी। एंड शी इज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमेन। वो जो थी एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई थी सविता, एंड सोल्डरिंग यानी कि टांका लगा रही थी ग्लास के पीस पर, ठीक है, जो शीशे का पीस था उस पर टांका लगाया जा रहा था सविता के द्वारा। एंड शी डज नॉट नो दैट द बेंगल्स शी इज मेकिंग आर सिंबल्स ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। उसको यहां तक नहीं पता था कि एक मतलब जो यंग सविता वहां पे बैठी थी, उसको ये भी नहीं पता था कि ये जो बेंगल बना रही है ये एक भारतीय नारी का सुहाग होता है, जो ये चूड़ियां होती हैं, उसको पता नहीं था, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स याद रखना, अपने आंसर में लिखोगे एग्जाम में ये सारी लाइनें, तो जरूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं। द ओल्ड लेडी हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर हैज लोस्ट हर, ये सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया है। द ओल्ड लेडी मतलब जो उसके साथ में जो बूढ़ी औरत बैठी थी, वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी जो सविता के साथ में बैठी थी। बट स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर वेस्ट। वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी, पर अभी भी उसकी कलाइयों के अंदर, उस बूढ़ी जो औरत की कलाइयां थी, उसमें चूड़ियां उसने डाली हुई थी। एंड शी सेज दैट शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील ऑल हर लाइफ। मतलब वो बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इतना हार्डवर्क करने के बाद भी आज तक भर पेट खुशी से खाना नहीं खाया था, ठीक है। एंड पुअर बेंगल मेकर्स नो नथिंग एक्सेप्ट मेकिंग बेंगल्स। वो जो पुअर, जो गरीब लोग थे फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स जो थे, उन्होंने कभी भी चूड़ी के काम के अलावा, चूड़ियां बनाने के अलावा, वो कुछ भी और काम नहीं जानते थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है तो इसमें लिखा है, राइटर सेज दैट द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम इन फिरोजाबाद। जो एक गरीबी का जो रोना होता है, गरीबी की जो चीख होती है, वो फिरोजाबाद के हर घर में सुनाई देती थी। एंड ये जो फिरोजाबाद के जो लोग थे, इनका भाई बहुत ज्यादा शोषण होता था, बहुत ज्यादा इनको तंग करके रखा था। किन लोगों ने? फिरोजाबाद के साहूकार लोगों ने, वहां के पुलिस वालों ने, वहां के मिडलमैन जो बिचौले होते हैं उन्होंने, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारी नौकरशाह होते हैं, और जो राजनीतिक जो पार्टियों से जुड़े हुए जो नेता होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इन लोगों को दबा के रखा था और इसी काम में उनको ढाल दिया था। उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो चाहते थे इसी काम में रहें, ठीक है, और बहुत ज्यादा उनका शोषण होता था। एंड दे हैव कम टू एक्सेप्ट देयर पॉवर्टी एंड एक्सप्लोइटेशन एज समथिंग नेचुरल। वहां के लोगों को मतलब इस कदर उनको तंग कर रखा था कि उनको अभी ये मानना पड़ा कि ये जो उनकी गरीबी है और जो ये शोषण होता है, ये एक नेचुरल मतलब इनके साथ होना ही होना है। जो भी पीढ़ी आएगी उसका शोषण होना ही होना है। अब इनको ये चीज नेचुरल बन चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वो परेशान थे फिरोजाबाद में। आगे देखते हैं। राइटर सीज द डेयरिंग स्पिरिट एंड एटीट्यूड इन मुकेश। मुकेश के अंदर एक डेयरिंग, एक स्पिरिट थी, ठीक है, एक निडरता से एक उसका एक एटीट्यूड झलकता था मुकेश के अंदर, क्योंकि मुकेश ने राइटर से कहा था कि वो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक और छोड़ना चाहता है चूड़ी बनाने वालों का काम। और मुकेश हैज डिसाइडेड टू फुलफिल हिज ड्रीम्स वन डे। वो एक दिन अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। एंड मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर। वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था, अपना खुद का स्वामी, खुद का मालिक बनना चाहता था मुकेश। एंड ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, और मोटर मैकेनिक बनने का वो सपना देखता था। आगे देखते हैं। हमारा जो इंट्रोडक्शन के साथ जो समरी का पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम कैरेक्टर स्केच देखेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर स्केच हमें मुकेश का ही देखना है।
तो मुकेश के कैरेक्टर स्केच में पहला पॉइंट है बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, ये एक बेंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता था एंड ही डज नॉट वांट टू बी अ बेंगल मेकर, ये बिल्कुल भी बेंगल मेकर नहीं बनना चाहता था, इसका सपना अलग था आपको पता है, एंड हिज फैमिली हैज बीन इन दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी फैमिली इस काम में काफी पुराने समय से लगी हुई थी, एंड दे वर्क इन डार्क रूम्स, उनको डार्क अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता था, एंड ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश जो था वो इस काम से दूर रहना चाहता था और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, सीम्स टू बी डिटरमाइंड एंड प्रिपेयर टू गो टू अ गराज एंड लर्न हिज वर्क, वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड लगता था और तैयार रहता था हमेशा कि वो गराज में जाए और वो मोटर मैकेनिक का काम सीखना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये मुकेश का कैरेक्टर स्केच है जो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ आपको क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इसके आंसर्स मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजने हैं। पहला क्वेश्चन है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, वो जो शीशे की भट्टियों में काम करने के बाद वो जो नुकसान होते थे, जो हजार्ड्स होते थे, जो मतलब खतरनाक चीजें थी, वो क्या था आपको मुझे बताना है, मैंने आपको चैप्टर में बताया है, समरी आप एक बार दोबारा देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश का जो सपना था वो कैसे उसको आपके विचार से क्या वो उसको साकार कर पाएगा, वो जो उसका सपना था उसको सच कर पाएगा, आपको बताना है आपका क्या विचार है मुकेश के लिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस, वो ऐसी कौन सी ताकतें थी, ठीक है, जो मजबूर करती थी जो बेंगल मेकर्स थे फिरोजाबाद के उनको लगातार उसी चीज को करने के लिए काम को, ठीक है, कौन कौन सी ताकतें थी मैंने आपको बताया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ पुलिसमैन बिचौलिए, वो सारा आपको इसमें लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं उसका कैरेक्टर स्केच, हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com है, आप वहां से इस चैप्टर के नोट्स जल्दी ही आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ई बुक हमारी प्रोसेस में है, जैसे ही बन जाएगी आपको बता दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम के यहीं से आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना आप भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको जरूर मिले, और वीडियो को आप शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।